हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा लेसन 1 चल रहा था, तो चैप्टर 1 का ये भाग 5 है, यानी कि पांचवी वीडियो है। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने कूलाम नियम बताया था, कूलाम नियम की गुरुत्वाकर्षण नियम से तुलना की थी, कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स कराने थे, तो वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो आज न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करते हैं, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वगैरह, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। राइट, चलिएगा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कूलाम के नियम पर, कूलाम का नियम क्या था थोड़ा सा याद कर लीजिए। कूलाम के नियम का क्या था, कूलाम ने ये बताई थी कि दो यदि आवेश हैं, यदि ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी, यानी कि ये भाई ऐसा समझो कि मेरे पास ये एक बिंदु आवेश है यहाँ पर रखा हुआ है, एक मेरे पास ये बिंदु आवेश है यहाँ पर रखा हुआ है, इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ है, तो ये एक आवेश है Q1, ये Q2 आवेश है, ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं जिनके बीच की दूरी मैंने r मान ली है। तो इनके बीच में जो बल लगेगा, जो वैद्युत बल लगेगा, कूलाम भाई साहब ने ये बताई थी 1/4π0 Q1 Q2 r, इतना लगेगा, r² इतना लगेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और यदि इनके बीच में कोई पदार्थ रख दूं तो यहाँ पे K आ जाएगा, K क्या रहेगा, उस पदार्थ का परावैद्युतांक रहेगा। समझ में आ गई बात, चलिएगा ओके। तो ये नियम है आपको याद रखना, ये कूलाम के नियम से फॉर्मूला आया था कल, जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लें। सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, आज कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं सबसे पहला, 2-4 न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे थ्योरी वगैरह पर। पहले एक सवाल लिख ले रहे हैं, सभी लिखते रहो सवाल को। एक प्रोटॉन, चलो पहले लिख दें, चलिएगा लिख लेते हैं एक सवाल। दो आवेशित गोले जिन पर क्रमशः 5×10⁻¹⁶ कूलाम तथा 25×10⁻¹⁸ कूलाम आवेश है। दो आवेशित गोले जिन पर क्रमशः 5×10⁻¹⁶ कूलाम तथा 25×10⁻¹⁸ कूलाम आवेश है, और इनके बीच की दूरी उनके बीच की दूरी उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये मार्कर सही नहीं चल रहा, दूसरे लेते हैं। 25 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करो। तो ये सवाल है आपका कि दो आवेशित गोले जिन पर क्रमशः 5×10⁻¹⁶ कूलाम तथा 25×10⁻¹⁶ कूलाम आवेश है, और इनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करना है। ओके, चलिए। तो भाई सवाल देखो, जो बच्चे अभी 12th में आए उनको मैं बता दूं, भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अब आपको बता दे रहा हूं। देखिए 5 स्टेप होते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए। सबसे पहले ये छांटो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए कि सबसे पहले सवाल में दिया क्या है आपको, सवाल में क्या दे रखा है वो पहचानो। सवाल में क्या दे रखा है, दो आवेशित गोले हैं। सपोज दैट भैया इसमें यही तो चीज़ है कि भैया एक आवेशित गोला ये है
और एक आवेशित गोला ये है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और भाई साहब एक पर आवेश है इतना 5×10^-16, और दूसरे पर जो आवेश है वो 5×10^-18 है। ये इतने कूलाम और इतने कूलाम आवेश है, यही तो चीज़ है। यानी कि दो आवेशित गोले हैं, एक गोला ये है और एक गोला ये है, हमने मान लिया इस पर आवेश इतना दे रखा है और इस पर आवेश इतना दे रखा है, और दोनों के बीच की दूरी इतनी दे रखी है, यही चीज़ तो दे रखी है। तो सवाल करते समय ऐसे चित्र बना दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन लिखना जरूर है, चित्र बनाओ या मत बनाओ लेकिन लिखना। कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दे रखा है सवाल में, भैया एक आवेश दे रखा है और एक 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 ये आवेश दे रखा है, मतलब क्या कि एक आवेश दे रखा है Q1 5×10^-16 कूलाम दे रखा है, सी का मतलब कूलाम। एक दूसरा आवेश भी दे रखा है, दूसरा आवेश कितना दे रखा है, 25×10^-18 25×10^-18 कूलाम इतना दे रखा है, और एक दूरी दे रखी है आपको, दूरी बीच की दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर, ये बीच की दूरी दे रखी है। याद रखना दूरी को हमेशा आप मीटर में लोगे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स करते समय दूरी को हमेशा मीटर में लोगे। तो सबसे पहला स्टेप था कि क्या चीज़ दे रखी है वो चीज़ लिख ली। दूसरा स्टेप होता है कि इन सभी को ऐसा ही यूनिट में बदल लो, यानी कि MKS पद्धति में इनके जो मात्रक हैं वो MKS पद्धति में होने चाहिए, अर्थात SI पद्धति में होने चाहिए, मतलब दूरी को मीटर में, आवेश को कूलाम में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भैया दूरी को इसको बदलो, तो R बराबर, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, 25×10^-2, अब ये हो जाएगा मीटर। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगी, सर ये कहाँ से आ गया, तो मैं बता दे रहा हूँ बेटा कि एक सेंटीमीटर की जगह पर आप लिखोगे 10^-2, ठीक है, सेंटीमीटर से ये मीटर में बदल जाएगा। एक mm को बदलेंगे तो कितना, 10^-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये इतने मीटर हो जाएगा इसमें ये, ठीक है, चलिएगा। एक होता है कि भाई जी आपका सेंटीमीटर मीटर के बाद में आता है माइक्रोन, क्या माइक्रोन, माइक्रोन, या हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, एक माइक्रोन, तो माइक्रोन का मतलब होता है 10^-6। फिर इसके बाद में आता है एक नैनो, एक नैनो यानी कि एक एन, नैनो, नैनो बराबर क्या होता है, 10^-9। यदि यहाँ पे देखिएगा आपसे कहने लगे कोई कि एक माइक्रोसेकंड बराबर कितने सेकंड, तो आप लिख दोगे 10^-6 सेकंड। यदि वो कहेगा एक माइक्रो कूलाम बराबर कितने कूलाम, 10^-6 कूलाम। यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर, 10^-6 मीटर, तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये देखिएगा इस माइक्रोन का मतलब होता है ये, इसके पीछे मीटर सेकंड लगा है तो सेकंड लगा दो, कूलाम है तो कूलाम लगा दो, मीटर है तो मीटर लगा दो, किलोग्राम है तो किलोग्राम लगा दो, जो भी दे रखा हो पीछे वो लगा दो। ऐसे ही एक नैनो सेकंड का मतलब 10^-9 सेकंड, एक नैनो मीटर का मतलब मीटर कूलाम आ रहा है तो कूलाम लगा दो, मीटर है तो मीटर और सेकंड है तो सेकंड, जो भी चाहिए। फिर इसके बाद में आता है एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 से। फिर एक आता है पिको, एक पिको, पिको को आप 1P लिख दोगे, 10^-12। पूरी फिजिक्स में इनसे अलग कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है, पूरी फिजिक्स में 99% यही चीज़ आती है, और इसके अलावा कुछ बचेगा तो वो पेपर क्वेश्चंस में आ ही जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलग कुछ आएगा, राइट, चलिएगा। तो यही चीज़ होती है, इन सभी चीज़ों को याद कर लेना, लर्न कर लेना अपने दिमाग में, अपनी खोपड़ी में, अपने मस्तिष्क में इनको इंस्टॉल कर लेना, राइट, चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, कितना कि भैया दूरी दे रखी है, अब ये समझ में आ गई क्या चीज़ दे रखी है वो चीज़ लिख ली। उसके बाद में दूसरा स्टेप है कि भैया सवाल में क्या पूछा है, क्या पूछा है, तो क्या पूछा है देखना जरा, क्या पूछा है सवाल में, सवाल में पूछा है कि इनके बीच वैद्युत बल, क्या वैद्युत बल आपसे पूछा है, एफ आपसे पूछा है, ठीक है, दो स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप होता है, अपने दिमाग में सोचो कि भैया बल के कितने फॉर्मूले होते हैं, और हमको वो फॉर्मूला यूज करना होगा जो ये सारी चीज़ें जो इसमें दे रखी हैं उनका यूज हो जाए। तो भैया बल का एक फॉर्मूला आपने अभी अभी पढ़ा था, क्या था, वैद्युत बल
वैद्युत बल, वैद्युत बल बराबर क्या था फॉर्मूला, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। चलिएगा अब देखिएगा, एफ बराबर आपको ये भी पता है कि भैया 1/4πε0 यानी कि 1/4πε0 की वैल्यू 9×10^9 बताई थी हमने कल पढ़ाते समय, बताई थी ना, बताई थी ये एक नियतांक होता है, नियतांक की वैल्यू इतनी होती है, बिल्कुल बताई थी। तो इसकी वैल्यू 9×10^9 ओके गुणा, थोड़ा सा इधर की साइड से लिखूंगा ताकि ये पूरा आ जाए, 9×10^9 गुणा फिर Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q1 की वैल्यू दे रखी है ये कितनी है 5×10^-16 फिर गुणा, फिर Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी है 25×10^-, ये कितना था 18 था, ये माइनस दो सॉरी ये Q2 की वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू किसकी है, ये 25 दिखाई दे रहा है ना, तो वो भी 25 ये भी 25, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखिएगा ध्यान से, ये है Q2 की वैल्यू 25×10^-18 याद रखना, ऐसे मिस्टेक मत कर देना, मत ये लगा दो, तो ये है Q2 की वैल्यू। और अब R की वैल्यू कितनी है, नीचे है आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 25×10^-2। अब इसका स्क्वेयर कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका स्क्वेयर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखिएगा एफ बराबर, चलिए इस तरीके से लगा दे रहे, ये है 9×10^9 हाँ। अब आपको मैंने क्या बताया था, पहले स्टेप में क्या चीज़ दे रखी है, दूसरे स्टेप में क्या चीज़ पूछी है, तीसरे स्टेप में फॉर्मूला सोचो और लगाओ, यानी जो चीज़ आपको दे रखी है उन्हीं का यूज करके एक फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ये हमने लगा दिया भाई Q1 Q2 दे रखे हैं, R दे रखे हैं, तो हमारे पास वैद्युत बल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R2। तीसरा स्टेप, चौथे स्टेप में कैलकुलेशन करो, पाँचवें स्टेप में उत्तर के साथ में मात्रक लिखो, आपका पूरा नंबर चलिएगा। तो भैया अभी ये कैलकुलेशन चल रही है, कैलकुलेशन में पहले ऊपर वाली चीज़ों को ऊपर लिखो, नीचे वाली चीज़ों को नीचे। तो ये कितना है 5×10^-16 गुणा, ये है 25×10^-18 राइट। अब स्क्वेयर का मतलब क्या होता है भाई, 4 है तो 4 का स्क्वेयर आपने 16 देखा होगा या आप जानते होंगे, 5 का स्क्वेयर कितना 25, लेकिन वास्तव में स्क्वेयर का मतलब क्या होता है भाई, 4 का स्क्वेयर का मतलब यह है कि 4 की गुणा 2 बार, और 4^3 का मतलब है 4 की गुणा 3 बार, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब 25 का जो स्क्वेयर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 25×25, समझ में आ गई बात, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका मतलब क्या है भाई, ये 10^-2 है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो मतलब 10^-2×10^-2 यही तो है, तो इसीलिए इसका मतलब, अब देखो जरा ध्यान से, तो अब याद रखना, किसी की पावर यदि होती है और उसका हमें स्क्वेयर करना है, तो उसका मतलब इन पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2×2 कितना हो जाएगा 4, सिंपल सी बात है। इसका मतलब कितना हो गया 10^-4, है ना। कभी भी याद रखना 10^-3 है और आपको इसका स्क्वेयर करना है, तो कभी भी ऐसा मत लिख देना, मत 9 लिख दो 3×3 9, नहीं ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, इसका मतलब यही तो है 10^-3×10^-3, तो देखना जरा कितने हो गए, -3 - 3 कितना हो जाएगा -6। तो हमने क्या बताई थी कि जब भी कभी भी घातों का स्क्वेयर करना होता है तो इन घातों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3×2 कितना हो जाएगा 6, 10^-6 देख लो, आगे ना आगे बराबर, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्क्वेयर करेंगे, 10^-2 है और इसका आप स्क्वेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10^-4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10^-4 आ जाएगा भाई। ऐसा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया मैं धीरे धीरे बता दूंगा, कमेंट कर देना, लेकिन इससे ज़्यादा धीरे हर चीज़ को खोल के लिख रहा हूँ तो भाई मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप बता देना, 2×2 कितना हो जाएगा 4 भाई, 25 का स्क्वेयर मतलब 25×25, और 10^-2 का स्क्वेयर मतलब 10^-2, और 10^-2 मतलब 10^-4 हो गया, यानी कि इसका स्क्वेयर का मतलब क्या है, 2×2 = 4, इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिएगा 25 से ये पूरा का पूरा 25 कट गया, एक बार में एक ही चीज़ काटना, ठीक है, एग्जामिनर खुश रहेगा, उसे अच्छा दिखाई देगा और कॉपी भी आपकी बिगड़ेगी नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणा
दस की पावर, हाँ दूसरी चीज़ देखिएगा, संख्याओं को एक तरफ ले लो, नौ गुणा ये पाँच है तो पाँच ले लिया, गुणा दस की पावर ये नौ है, ओके कोई बात नहीं है, ये सोलह और अठारह है, सोलह और अठारह कितने हो जाएंगे, आठ छः चौदह का चार, हासिल एक दो एक कितना हो जाएगा तीन, तो दस की पावर कितना हो जाएगा माइनस के चौंतीस। समझ में आई क्यों, ये माइनस के सोलह है ये माइनस के 18 है, दोनों को कंबाइंड करके जोड़ दिया तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस 34, ये 10 की पावर माइनस का 4 है, इनको हम ऊपर ले जाएंगे घातों को तो ये चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस की है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, याद रखना ऊपर जाने पर घातें चेंज हो, साइन चेंज हो जाता है, यदि ये प्लस की होती तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती, तो ये इसलिए ये आपका कैसी हो गई ऊपर जाने पर प्लस की हो गई। नीचे कितना बचा 25 है, केवल 25 बचा, ओके अब देखना जरा, अब के एक बार इसको काट दीजिए, पाँच एकन पाँच और पचम 25, केवल एक बार, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 9 गुणा, अब देखिएगा 9 और 4 प्लस प्लस की घातों को एक साथ जोड़ दो, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 9 और 4 13 गुणा 10 की पावर ये है माइनस के 34 बट्टे नीचे बचा 5। चलिए अब 9 में आप 5 का भाग कर दीजिए, 5 एकन 5 बचे कितने 4, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0, पान अट्ठे 40, खत्म कहानी, ठीक है पान अट्ठे 40, तो ये मतलब हो गया आपका कि भैया इससे ये कट गया 4.8 बार, तो एफ बराबर 4.8 गुणा ये 34 है माइनस का 34, ये प्लस का 13 है, तो कितना बचेगा भाई, चार में से एक गया, चार में तीन गए तो एक दो 21 बचेंगे, वो भी कैसे माइनस का 21 बचेगा इतना। अब ये सॉल्व कर दिया, इसके बाद में बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, मात्रक जरूर लिखना है वरना एग्जामिनर क्या करेगा नंबर काट देगा, यदि ये सवाल दो नंबर में होता और आपने नंबर मात्रक नहीं लिखा तो हो सकता है कि एग्जामिनर पूरा नंबर दे दे, लेकिन एग्जामिनर पर राइट्स हैं उस आपके नंबर काटने के, क्योंकि आपने मात्रक नहीं लिखा, तो ये दो नंबर का सवाल होता तो यदि मात्रक ना लिखते आप तो उसको डेढ़ नंबर ही देता एग्जामिनर या पौने दो देता, लेकिन दो कभी नहीं देता राइट, तो इसलिए मात्रक जरूर लिखना है, हर जिस संख्या का मात्रक नहीं है तो उसको तो मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका मात्रक होता है उसका मात्रक जरूर लिखना है आपको राइट, इस तरीके से सवाल करने। अब थोड़ा तेज तेज सवाल करेंगे, फिलहाल आपको सवाल समझ में आ गए होंगे राइट, इस तरीके से करने होते हैं, जल्दी से कर लीजिए इस सवाल को फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 400 एंगस्ट्रॉम है, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उसकी प्रकृति ज्ञात करो। यदि ये दो सवाल हैं, यदि दो नंबर का ये सवाल है तो इसमें वैद्युत बल के लिए आपको एक या डेढ़ नंबर मिलेगा और आधा या एक नंबर इसकी प्रकृति बताने के लिए मिलेगा। प्रकृति को आपको पता ही चल रहा है, देखिएगा भाई आप ये चीज जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है, ओके, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच कौन सा बल लगता है, इनके बीच भी आपका आकर्षण बल ही लगता है, लेकिन यदि पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, इसके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, इनके बीच में कैसा लगेगा प्रतिकर्षण का बल, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर देखेगा प्रकृति तो आप सवाल को देखने मात्र से ही बता दोगे कैसे, कि यहाँ पर कहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, मतलब क्या कि भैया एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इधर की साइड में एक प्रोटॉन रखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 400 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, चलिएगा 400 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो यहाँ से आपको वैसे ही पता चल गया जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। ई का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब क्या होता है प्रोटॉन, और पी फोर पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, चलिएगा नेगेटिव आ गया ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा बल लगता है आकर्षण का, तो भैया इसकी जो प्रकृति तो आप डायरेक्टली देखने मात्र से ही पता चल गई आपको, हमने सवाल पढ़ा और पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो प्रकृति क्या बनेगी आकर्षण, प्रकृति कैसी बनेगी यानी जो बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा,
आधा नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो गया, अब बाकी बचा हुआ नंबर हम सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए तो समझ में आ गई ना आकर्षण क्यों हो गया। यदि ये होता कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी तो प्रतिकर्षण बल लगता, दो प्रोटॉन की होती, दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में यदि हम बल निकालेंगे तो वो कैसा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मतलब दो अलग अलग कण होंगे, अलग अलग कण, अलग अलग जैसी प्रकृति होंगी तो आकर्षण लगेगा। चलिएगा अब देखते हैं, सवाल करते हैं। अब हम सवाल में क्या चीज दे रखी है, दिया है, क्या दे रखा है भाई सवाल में। सबसे पहले देखिए इसमें आपको पता है पहले वाले सवाल में आवेश दे रखा था Q1 पर अलग Q2 पर अलग, है ना, दो आवेश वस्तु थी वो, तो उन पर दो गोले थे चालक गोले, उन पर अलग अलग आवेश दे रहा था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे रखा लेकिन आवेश नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, पता कैसे चलेगा, आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप कह दोगे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर इतना आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। आप ये भी जानते हैं कि भैया प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो भैया दोनों में अंतर क्या है कि इसका जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और इसका जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, बस ये अंतर होता है। समझ में आ गई बात। चलिएगा तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे आपको दे रखा है आवेश दे रखा है तो हम लिख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको मैं Q1 मान लूंगा, कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ऐसे ही मैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश मान लूंगा Q2, कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके पीछे में लिखना चाहो तो माइनस लिख देना, इसके पीछे धनात्मक लिख देना, इसका कोई रोल नहीं है माइनस और प्लस का, इसका रोल केवल प्रकृति के लिए है, प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो मैंने बता ही दिया प्रकृति क्या बनेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा आकर्षण लगता है, तो इसलिए ये प्रकृति का इसलिए है, बाकी सॉल्यूशन में इसका यूज नहीं होगा माइनस प्लस का, राइट। चलिएगा और एक दूरी दे रखी है, दूरी, दूरी कितनी दे रखी है आपको, दूरी दे रखी है 400 एंगस्ट्रॉम, कितनी 400 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का मतलब मैंने क्या बताया था भाई, अभी अभी हमने बताया था 400 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब बताया था माइनस का 10, ये हो जाएगा अब मीटर। एंगस्ट्रॉम से मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, माइनस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताई थी अभी अभी मैंने लिखाए थे। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, देखिएगा 4 के पीछे 2 जीरो दे रखी हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 400 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो दे रखी है तो इसका मतलब ये हो गया 4 × 100, और 100 को आप जानते हो कैसा लिखते हो, 100 को 10⁻², लिखते हो ना 100 को 10⁻², तो इसीलिए याद रखना किसी के पावर जितनी भी जीरो आ जाती हैं, जिसके पीछे जितनी जीरो आ जाएंगी तो उसका मतलब ये है, जैसे कि ये 400 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 × 10⁻², राइट। समझ में आ गई बात। यदि इसके 5 के आगे 3 जीरो लगी हुई हैं तो मतलब क्या है, 5 × 10⁻³, और यदि ये लिखा हुआ है 50.000, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट लगा हुआ है तो वास्तव में इसका मतलब है 50, केवल 50, क्योंकि 50.0 मतलब 50 है। अब इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻¹। समझ में आ रही है बात। चलिए तो ये चीज़ होती है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, R बराबर 4 × 10⁻², 10⁻⁻¹⁰ मीटर। समझ में आ गई, इन दो जीरो का मतलब 10⁻²² आ गई। अब ये प्लस की 2 हैं, ये माइनस की 10 हैं, तो इसका मतलब कितना, 4 × 10⁻², कितना माइनस के 10 में चले जाएंगे, माइनस के 8 मीटर इतना बचेगा। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा है वैद्युत बल आपसे पूछा है, और एक आपकी प्रकृति आपसे पूछी है, जो भी चीज़ पूछी है वो लिख देंगे यहाँ पर, क्या आपसे एक तो बल पूछा है वैद्युत बल, और एक आपसे प्रकृति पूछी है। तो पहले वैद्युत बल निकालेंगे, वैद्युत बल, तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होगा, वैद्युत बल का फॉर्मूला है, रेड पेन से लिखेंगे हम, एफ बराबर 1/4πε₀ Q1 Q2 / r². ये होता है। चलिए आप इसका मतलब आप जानते हैं, इसका इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻¹⁹, क्योंकि ये एक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू आपको पता है।
चलिए Q1, Q1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। Q2 की भी इतनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये Q1 की वैल्यू, ये Q2 की वैल्यू। अब R की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 8। 4 गुणा 10 की पावर माइनस 8। इसका स्क्वेयर करना है, स्क्वेयर कर देंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, हमने क्या बताई थी, ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिख दीजिए, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 आ गया। 4 का स्क्वेयर करेंगे तो मैं तो लिख दे रहा हूँ 4 गुणा 4 लिख दे रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे 16 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब कितना हो गया, 16। 4 का स्क्वेयर 16, और 10 की पावर माइनस 8 का स्क्वेयर करेंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि घात का क्या कर देते हैं, डबल, स्क्वेयर है तो घात का डबल, ठीक है, 8 दूनी 16, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 8 दूनी 16 आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखो, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 16 ही है, लेकिन ये 1.6 दे रखी है। जब ये 1.6 दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, 0 बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 बढ़ जाएगी, कितना हो गया, 160 हो गया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अब बल बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा ये 16 हो गया, ये 1.6 को भी यहाँ पे लिख दिया, गुणा ये 10 की पावर 9 है गुणा, और 10 की पावर 19, और 10 की पावर 19 कितना हो जाएगा, माइनस के 38 हो जाएगा, कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर माइनस 19, इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 की पावर माइनस का 38 हो गया। चलिए ये 160 है, ओके, गुणा ये 10 की पावर माइनस 16 है, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है 16 एकन 16, और ये 16 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 16 एकन 16, और ये आ गया 16 धाम के 160। 16 एकन 16, ये 16 भाई 16 बट्टे 160 दे रखा है, तो 16 एकम 16 और 16 धाम के 160, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बट्टे 10 आ जाएगा। नीचे क्या आ गया, F बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर 38 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ध्यान से सुन लो, 38 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 29, क्योंकि ये है प्लस के 9, ये है माइनस के 38, तो माइनस के 9 बचेंगे। ये नीचे क्या हो गया, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 16, राइट, इतना आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पर एक चीज और आप लिख दोगे, क्या कि ये 10 की पावर 10 का मतलब क्या है, 10 की पावर 1 है प्लस की है, तो इसका मतलब ये है, ऊपर तो 16 की गुणा कर देंगे 9 में, तो ये 1.6 की मल्टीप्लाई, देखो 16 गुणा 9 करेंगे तो आएगा 144, क्योंकि यहाँ पर एक है, तो एक अंक बाद पॉइंट, तो एक अंक बाद यहाँ पॉइंट लगाएं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14.4 गुणा 10 की पावर माइनस 29 बट्टे, नीचे कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 15 बचेगा। 10 की पावर माइनस 15 क्यों बच रहा है, क्योंकि ये 10 की पावर 1 यहाँ पर प्लस का है, ये 10 की पावर माइनस का 16 है, तो 10 की पावर 1 प्लस का 16 में से एक प्लस का चला जाएगा, तो माइनस के 15 बचेंगे। अब माइनस के 15 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, F बराबर 14.4 गुणा 10 की पावर माइनस 29 गुणा 15 ऊपर जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा प्लस के 15, तो F बराबर कितना आ जाएगा, 14.4 गुणा माइनस के 15 को ऊपर ले गए तो प्लस के 15 हो गए। अब 29 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, भैया घटा लो, ना समझ में आए तो घटा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म वाली कोई बात नहीं है, कितने बचेंगे, माइनस के 14 बचेंगे, राइट। और हमने पहले ही बताई थी कि फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो पॉइंट से पहले एक अशून्य अंक रखो, क्या रखो, अशून्य अंक, ठीक है, अशून्य अंक। तो देखना जरा, ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये पॉइंट को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है तो पॉइंट से पहले 1 अंक होना चाहिए, तो पॉइंट को इधर ले जाएंगे पीछे, तो F बराबर 1.44 गुणा 10 की पावर माइनस के, देखिएगा ध्यान से, 10 की पावर माइनस 14 गुणा, ठीक है, क्योंकि 1 अंक हम आगे ले गए पॉइंट को, जब पॉइंट इधर की साइड में आएगा, पॉइंट इधर की साइड में आता है तो प्लस की घातें आती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी 10 की घात 1 आ जाएगी प्लस की। 10 की घात 1 क्यों आ रही है, क्योंकि हम 1 अंक आगे ले गए पॉइंट को, इसलिए 1 घात प्लस की आ गई। तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1.44 गुणा 10 की पावर 14 में से 1 जाएगा तो माइनस के 13 बचेंगे, इतने न्यूटन, इतने
न्यूटन, ये बल आ गया। अब प्रकृति, प्रकृति क्या होगी भाई, प्रकृति, प्रकृति तो आप डायरेक्टली उत्तर, डायरेक्टली उत्तर, प्रकृति क्या बनेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसलिए क्या बनेगी आपके, आकर्षण, प्रकृति क्या बनेगी, आकर्षण। तो ये कैसी प्रकृति का बल रहेगा, आकर्षण। तो प्रकृति भी समझ में आ गई, बल समझ में आ गया, राइट। तो बाकी जैसे अब ये दो ही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इस सवाल, इस जो फॉर्मूला था ये वाला वैद्युत बल वाला, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका किस तरीके से। देखिए अभी क्या है, अभी मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, अभी तो थ्योरी करा रहा हूँ। थ्योरी में ही जैसे जो जो फॉर्मूला आता रहेगा उस पर एक एक न्यूमेरिकल कराता रहूँगा ताकि आपको समझ में आते रहेंगे। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में पूरा NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सभी को सॉल्व कराऊँगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। NCERT की किताब में जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊँगा मैं, राइट। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा कि हमें इस तरीके से जो फॉर्मूला वैद्युत जो कूलाम का नियम था, कूलाम जो बल आया था उसका कैसे यूज करना होता है न्यूमेरिकल्स में, वो चीज़ समझा रहा हूँ मैं अभी आपको, एक एक दो दो न्यूमेरिकल। चलिए अब सीखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। चलिए अब पढ़ेंगे हम थ्योरी के कुछ पॉइंट्स, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। चलो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी काटते हैं, पहले हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएँ और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा, इसके बाद में चौथा पॉइंट रहेगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर चौथे के बाद में पांचवा वैद्युत द्विध्रुव, फिर छठा पॉइंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर सातवें पर एक डेरिवेशन आएगा, आठवें पर एक डेरिवेशन आएगा और एक डेरिवेशन यहाँ पर भी आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी, एक यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन आएगा। इस तरीके से टॉपिक चलेंगे, फिर आपका जो गॉस की प्रमेय वगैरह हैं फिर वो स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एक और डेरिवेशन आएगा, नौवें नंबर पर भी डेरिवेशन आएगा। तो पहले इन टॉपिकों को करते हैं, जितने हो जाएंगे इस वीडियो में देखेंगे, राइट, चलेगा। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। जैसे कि अभी अब कूलाम के नियम से, क्या था कूलाम का नियम, यही था कि ये कोई आवेश है Q1 और एक ये दूसरा आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी हमने मान ली R। तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में एक वैद्युत बल कार्य करता है, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, राइट। अब सपोज दैट कि हमारे पास में ये प्लस चार्ज रखा हुआ है, राइट, और इसके पास हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास जैसे हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आए तो इस पर क्या लगेगा, यानी प्रतिकर्षण का बल लगेगा इनके बीच में, कैसा लगेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। अब जरा सोचो, क्या सोचें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास यदि नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे तो इनके बीच में क्या, आकर्षण का बल लगेगा। तो मतलब ये आवेश पहले से यहाँ पर रखा हुआ था, ये आवेश पहले से यहाँ पर रखा हुआ था और इसके पास हम जैसे ही एक छोटा चार्ज, दूसरा चार्ज लेकर आए, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक चार्ज लेकर आए, तो इसके बीच में क्या लगने लगा, बल लगने लगा, वैद्युत बल लगने लगा। मतलब क्या, वैद्युत प्रभाव का अनुभव होने लगा, हमें पता चला कि ये पॉजिटिव लेकर आए तो ये एक दूसरे को रिपल्स करने लगे, यानी कि एक दूसरे को दूर हटाने लगे, यानी प्रतिकर्षण का बल लगने लगा, प्रतिकर्षण। और यदि ये नेगेटिव लेकर आए इस पॉजिटिव के पास में तो इनके बीच में आकर्षण का लगने लगा, ये एक दूसरे के पास आने लगे। तो मतलब इनके बीच में ऐसी कोई ना कोई चीज तो है, यहाँ पर देखना जरा, जो दिखाई नहीं दे रही है
ये पॉजिटिव रखा हुआ है, ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में कुछ तो ऐसा है जो इनको आकर्षित कर रहा है या इनको एक दूसरे से रिपल्स कर रहा है, उसी चीज को, उसी कारक को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब ऐसे तो पेपर में नहीं लिखोगे भाई, ऐसा समझो कि यहाँ पर पहले से ये काविश रखा हुआ था, अब ना तो इस पर पॉजिटिव, ना तो इस पर आकर्षण बल लग रहा, ना वैद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा, मतलब यहाँ पर कोई, ये अभी कोई वैद्युत प्रभाव का अनुभव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा आवेश लेकर आए, तो जैसे ही उसके पास ना लेकर आए, इसके दूर ही रख दिया, इसके थोड़ी सी दूरी पर रख दिया, तो भैया इस पर देख रहे हैं कि इस पर एक वैद्युत बल का आवास हो रहा है, इस पर भी एक वैद्युत बल का आवास हो रहा है, यानी कि वैद्युत प्रभाव का आवास कर रहा है ये। किस कैसा आवास? कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हुआ तो ये प्रतिकर्षण का आवास करेगा, और यदि ये नेगेटिव हुआ तो फिर ये आकर्षण का अनुभव करेगा। तो मतलब ये कि इसके चारों ओर कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है, इसके इन आवेशों के चारों ओर कुछ तो ऐसा है जो इसको आकर्षित कर रहा है या दूर प्रतिकर्षित कर रहा है, उसी चीज को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, या पहले देखो ये आवेश है तो इसका अपने आप में कुछ ना कुछ ऐसा क्षेत्र होगा, कि ऐसा तो है नहीं, देखना जरा सोचो, सोचो एक चीज और सोचो कि ये आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, इसके एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ नेगेटिव, अब ये दूर रखा है काफ़ी दूर, तो इस पर तो कोई आवेश यानी कोई वैद्युत प्रभाव अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनके बीच की दूरी ये ज़्यादा दूर है, और जैसे जैसे हम यहाँ पर लेकर आए यहाँ पर भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर आया तो जैसे ही यहाँ पर लेकर आया तो देखा कि इसके बीच में आकर्षित होने लगा, ये आकर्षण का बल लगने लगा। तो मतलब क्या हुआ कि भाई इस आवेश के चारों ओर कुछ तो ऐसा है जिसके द्वारा इस पर एक आभास हो रहा है, इस पर महसूस हो रहा है, ये एक अनुभव करता है। किस चीज़ का अनुभव कर रहा है? आकर्षण का अनुभव कर रहा है। तो ऐसा कुछ तो इसके चारों ओर है, या इसके भी कुछ ना कुछ चारों ओर, ये नेगेटिव लेकर आए, इसके भी कुछ ना कुछ चारों ओर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी मौजूद है जो इस पर आभास करा रही है, इसको अनुभव करा रही है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। आकर्षण का कब? ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये प्रतिकर्षण का अनुभव कराएगी, और यदि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो आकर्षण का अनुभव कराएगी। तो ये इसके जो चारों ओर जो कुछ चीज़ है मौजूद, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो मतलब परिभाषा, अब देखो परिभाषा क्या है, लिखनी कैसे है, बोर्ड में कैसे लिखनी है, कि भाई किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश पर, किसी अन्य आवेश पर वैद्युत प्रभाव लगता हो, या कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव अनुभव करता हो, उसी क्षेत्र को। मान लीजिए कि भैया ऐसा समझो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक यहाँ पर एक कुत्ता बैठा है, कुत्ता, ये एक सपोज दैट एक कुत्ता है, इस तरीके से यहाँ पर ये बैठा हुआ है, और इसके गले में एक चैन बंधी हुई है, और एक यहाँ पर एक खुंटी है, और ये इतने क्षेत्र में घूम सकता है, राइट। एक चैन बंधी हुई है, ये कुत्ता ऐसे करके घूम जाता है, और कुत्ता बहुत खूंखार है, यानी कि काट सकता है ऐसे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जा रहा है, अभी उसको पता है कि वो कुत्ते के क्षेत्र में नहीं आया है, तो वो अभी डरेगा नहीं, जैसे जैसे वो यहाँ पर आया यहाँ पर भी नहीं डरेगा, लेकिन वो जैसे ये कुत्ता यहाँ पर बैठा है, और यदि वो यहाँ पर आ गया तो उसको एक अलग का डर महसूस होगा, यानी कुछ ना कुछ उसको अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? कि कुत्ता उसको खाना ले, राइट। तो मतलब ये क्या है, ये कुत्ता की बाउंड्री है, ये कुत्ता का क्षेत्र है इतना जो बंधा हुआ है, राइट। तो उसी तरीके से ये आवेश है, आवेश की अपने आप में एक बाउंड्री है, कोई इतना क्षेत्र, यदि कोई दूसरा आवेश यहाँ पर लेकर आऊँगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लेकर आऊँगा, ये आवेश यहाँ पर ले आया मैं, चलो मैं क्यों दे रहा हूँ इस आवेश का नाम यहाँ पर, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ये इस क्षेत्र में आ जाएगा तो इस पर एक आवास होने लगेगा, इस पर एक अनुभव करने लगेगा, या तो वैद्युत आकर्षण का या वैद्युत प्रतिकर्षण का, डिपेंड करता है कि ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव हुआ तो ये प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये आकर्षण का अनुभव करेगा। तो इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। चलिए, तो अब परिभाषा लिख दे रहा हूँ मैं आपको, लिखनी कैसे है परिभाषा, लिखिए, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर, जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सके,
या वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलो लिखते हैं इसको। कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, कोमा लगा के वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, राइट। अब आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहोगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता हो उसी क्षेत्र को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। या वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। क्या ऐसे अर्थात करके एक और परिभाषा लिख दो, अर्थात वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। यह है क्या, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, राइट। सिंपल सी बात है, ये परिभाषा लिख दी। चलिए तो वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, कहाँ गया वैद्युत क्षेत्र। अब आती हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे बढ़ते हैं। ये होता है वैद्युत बल रेखा। अब आते हैं वैद्युत बल रेखाएं पर। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अब आपसे कोई पूछ ले कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ाया आपको वैद्युत क्षेत्र, क्या पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र को अब भैया जो वैद्युत क्षेत्र है अब हमको पता चल रही है कि ये धनात्मक है, धनात्मक से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में कुछ ना कुछ दिशा होगी, सिंपल सी बात है। तो वो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो हम किसी पर हम बनाने लगे कि भैया ये यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है और इससे बताओ कि यहाँ से वैद्युत बल रेखा की दिशा किधर है। तो आप क्या करोगे, एक कागज़ लोगे और बता दोगे भैया यहाँ पर माना कि पी बिंदु पर एक आवेश रखा है और वहाँ पर वैद्युत बल रेखा की दिशा ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बनाई है इसी को बोलेंगे हम वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोल देगा यहाँ पर इधर की साइड में इस तरीके से है तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं का मतलब क्या, वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार का ग्राफ होता है, एक प्रकार की लाइन्स होती हैं। लाइन्स को क्या बोलते हैं, ग्राफ, वक्र, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करता है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो सिंपल सी बात है। तो वैद्युत बल रेखाएं हो गई क्या, आप पूछ ले कोई कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है तो आप क्या बोलोगे जनरल भाषा में, कि वैद्युत बल रेखाएं एक ग्राफ होता है जिसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करते हैं, या वैद्युत बल रेखाएं एक ग्राफ होता है जिसके द्वारा हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा की जानकारी प्राप्त होती है। सिंपल, काम खत्म, राइट। चलिएगा इसको लिखते हैं कैसेगा, जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे कुछ बल रेखाएं हमेशा निकलती हैं इस तरीके से,
तभी तो इसका क्षेत्र बनता है, इससे कुछ बल रेखाएं निकल रही होंगी। भाई वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, यानी कि ये आवेश है तो इसके चारों ओर का कुछ क्षेत्र है, तो क्षेत्र का कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इससे कुछ ना कुछ रेखाएं निकल रही होंगी। तो हमेशा याद रखना, वैद्युत जो धनात्मक आवेश होता है उससे बल रेखाएं निकलती हैं, उससे बल रेखाएं निकलती हैं, और जो ऋणात्मक आवेश होता है उसकी ओर आती हैं, यानी कि उसके अंदर की ओर जाती हैं, इस तरीके से, ऐसे, राइट। तो इसका भी कुछ ना कुछ अपने आप में क्षेत्र है, राइट। तो यही है। तो अब हमारी परिभाषा क्या होती है वैद्युत बल रेखाओं की? तो वैद्युत बल रेखा क्या है? एक प्रकार का वक्र होता है, सिंपल सी बात है। एक रेखा खींची मैंने, वैद्युत बल रेखा ये, तो ये एक प्रकार का क्या है? वक्र है। कहीं पर वैद्युत बल, यानी कि वैद्युत बल रेखा इस तरीके से जा रही है, तो ये एक प्रकार का क्या है? वक्र है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत, और ये किसी कोण पर नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ। वैद्युत बल रेखाएं एक निष्कोणीय वक्र होता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करता है। क्या वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? अब परिभाषा लिख देता हूं मैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोणीय वक्र होता है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र होता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करता है। क्या करता है? सतत। देखो इसमें दो चीजें हैं, निष्कोणीय, यानी दो वर्ड आए हैं, एक निष्कोणीय, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं किसी कोण पर होती हैं, तो आप कहोगे किसी भी कोण पर नहीं होती है, निष्कोणीय होती हैं। दूसरी बात, सतत का मतलब क्या है? कभी भी याद रखना, जैसे कि सपोज दैट इस बल रेखा, इस ये वैद्युत जो धनात्मक आवेश है, इससे कोई बल रेखा ऐसे निकल रही है, यहाँ पर ख़त्म हो जाए और यहाँ के बाद में फिर से चलने लगे, ऐसा नहीं होगा। या तो ये बल रेखा यहाँ से निकलकर पूरी यहाँ तक जा रही होगी, या ये यहाँ से निकल कर ये पूरी यहाँ तक जा रही होगी, इसके बाद में, मतलब क्या है, ये कंटिन्यूसली दिखाती है दिशा को। ऐसा नहीं है कि बीच में यहाँ से टूट गई और यहाँ से चल गई, या यहाँ से ऐसे ख़त्म होगी, यहाँ से ऐसे चल गई, नहीं, ऐसे है तो या तो ऐसे ही होगी। मतलब क्या है सतत का? मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली, मतलब यह है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? एक प्रकार का वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार का ग्राफ होता है, एक प्रकार का वक्र होता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, और ये मोस्टली हम क्या करते हैं, ये काल्पनिक वक्र माना जाता है। तो कुछ किताबें क्या होती हैं, डायरेक्टली निष्कोणीय वक्र बोलती हैं, तो कुछ किताबें काल्पनिक वक्र लगाती हैं। तो आपकी इच्छा है, काल्पनिक लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, काल्पनिक लगाओ या मत लगाओ, ये आपके ऊपर है, कोई गलत नहीं करेगा। बसरते बस एक बात याद रखना, कोई आपसे पूछे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो आपको दो बातें कहनी है कि वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार का वक्र होता है, एक प्रकार का ग्राफ होता है, जिसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताते हैं या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो ग्राफ होता है कैसा होता है? कंटिन्यूसली होता है, यानी कि सतत होता है। तो आपका समझ गए होंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ग्राफ होता है। यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ग्राफ खींच दें, भैया यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, मान लीजिए भाई कोई वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, हमने बताया, एक कागज लिया,
एक वक्र बनाया वहाँ पर, कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, तो ये वैद्युत क्षेत्र का ये बन गया वक्र, इसी को बोलेंगे वैद्युत बल रेखा। हमने कहा कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से, तो यही बन गई वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है, एक ग्राफ होता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। और ये ग्राफ कैसा होता है, किसी कोण पर खींचा जाता है, आप कहोगे नहीं ये निष्कोणीय होता है, यानी कि बिल्कुल किसी भी कोण पर नहीं होता। परिभाषा लिख दी है मैंने वैद्युत बल रेखाओं की, तो जरा देख लीजिए क्या परिभाषा है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र, यहां पर लिखेंगे हम पूरी बात लिखेंगे, यह है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे, या वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ये क्या लिख दिया है, खींचा गया वह निष्कोणीय वक्र होता है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन आवेश गति करता है। ये एक किताब में अलग परिभाषा दे रखी है, तो आपकी इच्छा है पुरानी वाली परिभाषा लिख लो या इसको लिख लो। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी बात यह है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोणीय वक्र होता है जिस पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन आवेश गति करता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन आवेश, सीधे सीधे लिख दो, स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है। क्या बोला, स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, यानी कि वह निष्कोणीय वक्र जिस पर स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, उसको, उस वक्र को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ओवरऑल बात यह है, ये क्या है, एक प्रकार का वक्र है, सिंपल सी बात यह है। तो यहां पर यह वर्ड आया है धन आवेश, परीक्षण धन आवेश क्या होता है, तो परीक्षण धन आवेश पढ़ने से पहले आप पढ़ोगे स्रोत चार्ज, स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश क्या होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये वैद्युत, यानी कि ये एक आवेश है और इसके हम स्टडी कर रहे हैं कि इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र कितना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएँ कितनी है। एक ये आवेश है, इस पर हम कोई भी, मतलब इस पर कोई भी अध्ययन नहीं कर रहे, अध्ययन केवल इसका कर रहे हैं। तो जिस आवेश का हम अध्ययन करते हैं, जिस आवेश के वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसी आवेश को हम बोलते हैं स्रोत चार्ज, यानी कि स्रोत आवेश। तो क्या लिखा हुआ है, वह आवेश जिसके वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी जिस, यानी ये आवेश है तो इसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका यदि हम अध्ययन करेंगे तो हम इसी को बोलेंगे स्रोत आवेश, राइट। तो अपने आप में यदि हम इसका अध्ययन करने लगे तो ये अपने आप में स्रोत आवेश, कोई और है तो और। तो स्रोत आवेश क्या होता है, वह आवेश जिसके वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसकी हम स्टडी करते हैं, स्रोत आवेश समझ में आया। अब पढ़ते हैं हम परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश क्या है कि देखो सिंपल सी बात है, परीक्षण आवेश एक प्रकार का काल्पनिक आवेश होता है, ये धनात्मक आवेश होता है और इसका जो परिमाण होता है अत्यंत सूक्ष्म 0.00000 लगभग, बहुत कम, जीरो नहीं बट अत्यंत सूक्ष्म परिमाण होता है। जैसे कि एक कूलम, तो एक का भी आधे में से आधा, मतलब जीरो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने आप में कुल मिला के बात ये, ये काल्पनिक आवेश होता है, ये एक काल्पनिक आवेश होता है जिसका अपने स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात इसके स्वयं का कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसके स्वयं के वैद्युत क्षेत्र से किसी भी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये एक ऐसा परीक्षण आवेश होता है, इसको Q0 से हम प्रदर्शित करते हैं, इस धन परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0 से प्रदर्शित करते हैं, और इसका अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसकी उपस्थिति से स्रोत आवेश का, जैसे कि हम ये यहाँ पर रख देंगे तो इसके कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बशर्ते इसके जो वैद्युत क्षेत्र है इसके कारण इस पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इसके आवेश के कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में इसका कोई आवेश होता ही नहीं है, इसका परिमाण नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, इसका परिमाण काउंट ही नहीं करते। जब इसका परिमाण काउंट नहीं करते तो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र भी काउंट नहीं करते, तो इसीलिए बोलते हैं ये एक काल्पनिक आवेश होता है और इसका अपने आप में कोई
आवेशी नहीं, इसके इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, और इसकी उपस्थिति से स्रोत आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही लिखा हुआ है, परीक्षण आवेश अनंत सूक्ष्म परिमाण का, यानी कि बहुत छोटे परिमाण का एक कल्पित यानी कि काल्पनिक आवेश होता है। क्या? काल्पनिक आवेश होता है जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इस धन परीक्षण आवेश का स्वयं का यानी धन परीक्षण आवेश के अपने आप का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, और इसकी उपस्थिति से यानी कि जिसकी उपस्थिति से स्रोत आवेश तथा उसके वैद्युत क्षेत्र पर स्रोत आवेश तथा उसके वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, यानी कि इसकी उपस्थिति किसकी, परीक्षण आवेश की उपस्थिति स्रोत आवेश और उसके क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है, यानी कि इसकी उपस्थिति से स्रोत आवेश और स्रोत आवेश के क्षेत्र पर यानी स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, चलिए अब आते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणों पर आ जाते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक साथ लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक करके समझा दूंगा। राइट, अब आते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के ऊपर। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की बात कर लेते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण हैं। नोट्सों में केवल 4 या 5 गुण लिख रहे हैं, तो मैंने आज इस बोर्ड पर 7 गुण लिखवा दिए हैं, 7 गुणों को समझते हैं। पहला गुण क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से चलती हैं और ऋणात्मक आवेश में समाप्त हो जाती हैं। सिंपल सा मैंने बताई थी कि वैद्युत बल रेखा धनावेश आवेश से कैसे निकलती हैं बाहर की ओर, इस तरीके से निकलती हैं, और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश कर जाती हैं, यानी ऋणात्मक आवेश में इस तरीके से होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई ऋणात्मक आवेश में ये क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और धनात्मक आवेश से निकलते हैं। तो धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त हो जाती हैं। चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये रेखाएँ खुला वक्र होती हैं। मतलब क्या है, खुला वक्र इस तरीके से है कि ये धनात्मक आवेश से चलने के बाद में फिर वापस नहीं आती हैं, फिर धनात्मक आवेश में नहीं आएंगी, खुला वक्र होती हैं। ये क्या है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी वैद्युत बल रेखा का, जैसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो मतलब यहाँ पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दी, यहाँ पर स्पर्श रेखा ये, यहाँ पर ये, तो ये जो स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये पी बिंदु है, तो ये पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये मान लीजिए यहाँ पर क्यू बिंदु है, तो यहाँ पर ये क्यू बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर मान लीजिए ये एम बिंदु है, तो ये एम बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की दिशा। मतलब क्या है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो सिंपल तरीके से इस पॉइंट को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। राइट, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी बार दे रखा है और ये बोर्ड में भी कई बार आ चुका है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, कारण बताओ, कारण सहित स्पष्ट करो कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो याद रखना, देखिएगा, पहली बात तो ये कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, इसका कारण समझो कि भाई यदि किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि एक वैद्युत रेखा इधर जा रही है, एक वैद्युत रेखा इधर जा रही है, तो यहाँ पर ये कट गए, तो कटने का मतलब ये है कि इस पर वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर है और और इस वाले पर इधर। तो मतलब क्या है कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो वहाँ पर उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और इसका मतलब ये है कि उनके कटान बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी, जो कि असंभव है। ऐसा असंभव क्यों है, भाई आपको पता है कि धनात्मक आवेश से बल रेखाएं ऐसे जाएंगी और ऋणात्मक आवेश की ओर आएगी। सपोज दैट कि यहाँ पर 10 कूलम आवेश रखा हुआ है, प्लस का 10 कूलम आवेश, ठीक है भाई, दो दिशाएं तभी तो संभव है जहां पर दो आवेश होंगे। यहां पर ये मान लीजिए यहां पर आपका माइनस का 5 कूलम आपका
आवेश रखा हुआ है, तो माइनस पांच कूलाम की दिशा अलग होगी और प्लस दस कूलाम की दिशा अलग होगी। लेकिन इन दोनों आवेशों को मैं एक जगह रख दे रहा हूं, प्लस दस को और माइनस पांच को एक बिंदु पर रख दिया, तो मतलब क्या है, अब ये दो आवेश नहीं होंगे, ये प्लस पांच और माइनस, प्लस दस और माइनस पांच को एक जगह रख देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लस पांच ही बचा। भाई प्लस दस और माइनस पांच को एक जगह इकट्ठा करके रखो तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस पांच हो गया, और प्लस वाले से क्या, प्लस वाले की दिशा निकलेगी, तो यहाँ पर ऋणात्मक तो दिखा ही नहीं। चलो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऋणात्मक ज्यादा ले लो, चलो ऋणात्मक हमने 150 ले लिया, 150 कूलाम आवेश ले लिया या 150 आवेश ले लिया, और धनात्मक हमने ले लिया मात्र 100 लिया। चलो अब इन दोनों को एक जगह कंबाइंड करोगे, ऋणात्मक इतना और धनात्मक 100, तो इसका मतलब ये है कि अब ये धनात्मक का 50 बचा, तो अब ये धनात्मक का, सॉरी ये ऋण, अब ऋणात्मक का 50 बचा, क्योंकि ऋणात्मक का ज़्यादा है धनात्मक का 100, तो अब ये ऋणात्मक का बचा, तो अब ऋणात्मक वाले की दिशा आएगी। तो मतलब क्या, दो आवेशों को यदि एक जगह देखोगे तुम रख के, तो वहाँ पर एक ही आवेश बचेगा, तो इसका मतलब क्या है कि दो बल रेखाएँ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, वो केवल एक, मतलब ऐसा क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि देखो इस पर कारण भी लिख दिया है मैंने, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, पहली बात तो इतना। यदि कोई पूछने लगे क्यों नहीं काटती हैं, तो आप कहोगे यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि ऐसा होगा तब उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः उनके कटान बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशाएं बनेंगी, जो कि असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो आवेश नहीं रखे जा सकते। भाई दो दिशाओं का मतलब क्या है कि वहां पर दो आवेश होंगे अलग अलग, और दो आवेश हो ही नहीं सकते। अब मान लीजिए प्लस का 10 आपके दिमाग में आ रहा होगा, प्लस का 10 और प्लस का 10 रख लो, तो भाई ये तो दोनों मिलकर क्या हो गए, प्लस का 20 हो गए। अब 20 धनात्मक, अब धनात्मक वाले की, अब कहोगे कि एक 50 माइनस का 50, एक प्लस का 50 ले लो, तो अब ये जीरो आवेश हो गया, तो यहाँ पर कोई भी दिशा नहीं होगी, तो मतलब समझ गए। चलिएगा अब पांचवा पॉइंट देख लीजिए। पांचवा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से लंबवत तो उत्पन्न होती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। यदि कोई कहने लगे आपसे कि किसी चालक से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो उस चालक के पृष्ठ से लंबवत निकलेगी, देखो आंधी आ गई भाई, और धनात्मक और लंबवत ही उसमें प्रवेश करेंगी, यानी कि समाप्त होंगी। ये रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती, यानी कि ये चालक है मेरे पास, तो ये वैद्युत बल रेखाएं इससे आर पार नहीं गुजरेंगी, जैसे एक्स किरणें निकल जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिएगा सातवां, ये रेखाएं किसी खींची हुई लचकदार डोरी की भांति सुकड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, यानी कि ऐसे का जो होती है ना, इस तरीके से ऐसे, ये ऋणात्मक आवेश है, तो उसके पास में इस तरीके से ऐसे करके ऐसी प्रवृत्ति रखती हैं, राइट। चलिएगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, आंधी चल रही काफ़ी तेज, तो वीडियो को बस इतना ही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।